नीतीश जी केवल सत्ता के लोभी हैं कि अब नीतीश कुमार जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे उनका डूबना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मर जाना कबूल है पर उनके साथ जाना कबूल नहीं है, जिसके बाद जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2013 में जब बीजेपी से अलग हुए थे उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, पर 2024 और 2025 में बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, पहले आप वो सुने। शिवम जी, हम तो आग्रह करेंगे आपको कि आप माननीय नीतीश कुमार जी को याद दिलाइए, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके उम्र का तकाजा है, वो भूलने की बीमारी हो गई है उनको। उनको याद दिलाइए कि जब 13 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश जी केवल सत्ता के लोभी हैं, वो किसी भी बात पर टिके रहने वाले नहीं हैं और जो ही उनको लगा कि राजद के साथ अच्छा नहीं जा रहा है तो 17 में राजद को छोड़कर फिर पलटी मारते हुए भाजपा के साथ आ गए। तो कल हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी के साथ कोई सरकार भविष्य में बनाने वाली नहीं है और नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे उनका डूबना तय है। हम तो आपसे और आपके चैनल से केवल ये आग्रह करेंगे कि उनको 13 की बात याद दिला दे कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब बिहार की जनता ये बात याद करके रखी हुई है कि 25 के चुनाव में और 24 के चुनाव में उनको मिट्टी में मिलाकर बिहार की जनता रख देगी। हमारा बात लिख कर रख लीजिए आप। और मैं दूसरी बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि वो 15 की बात अगर हमारे साथ करते हैं तो उनको जरा 14 याद दिला दीजिए कि 14 में जब अपनी बदौलत सरकार वो चुनाव लड़े थे तो पूरे बिहार में 2 सीट पर जीते थे, 2 पर जमानत बची थी और 36 में जमानत भी नहीं बचा पाए थे। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सत्ता में शासन कर रहा हो और उस पार्टी को बिहार में 40 में से 36 सीट पर जमानत अगर डूब जाता हो, जमानत नहीं बचता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को उस दिन उन्होंने इस्तीफा का नाटक किया था। लेकिन आप याद करिएगा हमारी बात को, 24 में बिहार की महान जनता 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इनका खाता नहीं खुलेगा, ये बात आप आज ही लिख कर रख लीजिए। तो आपने साफ तौर पे सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी है। जब वो 2013 में बीजेपी से अलग हुए थे उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, पर अब बीजेपी ने उनके लिए दरवाजा जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बहरहाल, बने हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।